मन कर रहा था कुछ एक्सोटिक ट्राइबल डिशेस ट्राई करने का, इसीलिए हम लोग पहुंचे गुवाहाटी सिटी से 30 किलोमीटर दूर रानी। इसको बोलता है मेस्ता और इसको मैंने अभी खाया। ये कैसे लगता है वो खाने में? ये बहुत ही खट्टा है और इससे आप सब्जी वगैरह में दे सकते हैं। इतना सारा क्रैब्स है यहाँ पर। क्रैब्स को रोस्ट किया जाता है और अगर आप पॉर्क खाते हैं तो पॉर्क को भी रोस्ट करके देखें लोग। और ये रहा यहाँ पर जो स्नेल्स हैं उन सबको साफ किया जा रहा है। ये इधर ये नीचे आग और इधर ये पॉर्क रोस्ट हो रहा है। केकड़ा रोस्ट कर रहा है। এইটো কি বস্তু বাইদেউ? এইটো বিলাহী পুৰিছে নেকি? বিলাহী পুৰিছে বিলাহী চাটনি আছে, কচু চাটনি আছে, কচুটেঙা আছে, আলু পিটিকা আছে, পিঁয়াজ আছে, নেমু আছে, আলু ভাজি আছে, এইটো আপোনাৰ কেঁচা চালাড আছে, এইটো এইটো হ'ল চব্জি ভাজি, এইটো দালি চাটনি আছে, কিছু মাছৰ চাটনি আছে, তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ বেম্বো বেম্বো টেঙা বেম্বো টেঙা মাছৰ চাটনি। সো নমস্কাৰ দোস্তো, লাইফৰ মেকে এক নয়া ভিডিঅ' মে আপ সবকা স্বাগত হে। তো আজ মে কুছ ইয়াকে লোকেল ট্রাইবেল ফুড ট্রাই কৰিব যাওঁ। তো মে আবি আয়া হওঁ জয়মতী থাবা। তো ইয়াৰ পৰ জো লোকেল ট্রাইবেল ফুড হে বহুত আচ্ছা মিলতা হে। অ ইয়াকে ট্রাইবেল ফুড কি জো স্পেশালিটি হে, ইয়াৰ পৰ আপকো ক্র্যাব মিলেঙ্গে, স্নেইলস মিলেঙ্গে, फिर यहाँ पर एक छोटा सा कीड़ा जैसा होता है उसको पुलू पोका बोलते हैं हम लोग, उसको भी ट्राई करेंगे। दैन जो हम लोग के लोकल लैंग्वेज में एसएमएस लैंग्वेज में जिसको कुचिया मांस बोलते हैं उसको भी ट्राई करेंगे। दैन यहाँ पर प्रॉन दैन पोर्क। सो मैं अभी ट्राई करने जा रहा हूँ ये जो पुलू कीड़ा होता है तो यहाँ पर पोलो बोलते हैं या टेरी पोका भी बोलते हैं, तो इससे बनाया जाता है। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। वेरी क्रंची इसका टेस्ट। जो हम लोग जो प्रॉन खाते हैं ना, चिंगड़ी बोलते हैं इसको, प्रॉन जैसा ही टेस्ट है, सिमिलर टू दैट। खाएंगे ना तो वो वेरी टेस्टी, स्मोकी फ्लेवर है, वेरी नाइस। सो ये हो गया ये पोलू इंसेक्ट, ये हो गया कुचिया मास, इसका कुचिया फिश बोलते हैं इसको, ये एक स्नेक जैसा फिश होता है, वैसा ही लंबा होता है। इसको सलाद हो गया, ये रोस्टेड चिकन, देन ये हो गया रोस्टेड क्रैब, ये आपका ये ब्लैक डाल के साथ आपका ये स्नेल बनाया गया है और ये रोस्टेड स्नेल है, दोनों सेम ही है, जस्ट इसका छिलका निकाल के ये रोस्ट किया गया है, ये ब्लैक डाल के साथ है। ये हो गया आपका स्मॉल प्रॉन। सो ये है हम लोगों का आज का मेन्यू। तो आपको ये सब अगर खाना है तो आप यहाँ आपको आना पड़ेगा गुवाहाटी के रानी में,
यानी बेसिकली ये हो गया आपका गौरसुख पार करके जो तिपोरबिल एरिया है, तिपोरबिल पार करके एक्वलन पार करके आपको रानी चौक तक आना पड़ेगा। रानी चौक आने से थोड़ी सी पहले आधा किलोमीटर पहले आपको मिलेगी ये जौनमती ढाबा। तो जौनमती ढाबा में आपके आप लोकल जो ट्राइबल डिशेज है ये आप ट्राई कर सकते हो। अमेजिंग फूड। तो अभी मैं ट्राई करूँगा क्रैब। सी छोटा सा क्रैब है, अभी सीज़न नहीं है तो इसलिए क्रैब आपको छोटा मिलेगा, लेकिन अब सीजन में ये तो मस्त बड़ा बड़ा क्रैब मिलता है। वेरी चुई, वेरी क्रंची, अमेजिंग टेस्ट। क्रैब का अंदर का जो पार्ट है अभी भी जूसी है, मजा आ रहा है। वेरी नाइस। अभी ट्राई करूँगा स्नेल, सो इट्स बॉयल स्नेल। स्वीट खाया था और ऑक्टोपस भी ट्राई किया था, सो दोनों का टेस्ट और इसका टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है ना। अगर आप ऑक्टोपस को अगर बारबेक्यू करते हैं तो उसका टेस्ट अगर लेंगे ना तो ये स्नेल जैसे ही आता है। ये जो ब्लैक दाल का जो टेस्ट है ना वो एकदम स्नेल का जो अंदर का जो पार्ट है जिसको खाया जाता है उसके अंदर गया है। सो इट वॉज रियली टेस्टिंग लाइक बढ़िया। इस ट्राइबल फूड सर वेरी टेस्टी। सो अभी ट्राई कर रहा हूँ इज रोस्टेड स्नेल। ओके, जो जो स्नेल था जो जो बॉयल्ड स्नेल था सेम ही है, बट इसका क्या होता है कि छिलका निकाल के इसको रोस्ट किया जाता है, तो ये अंदर का पार्ट है। सो ट्राइंग रोस्टेड। अमेजिंग। इसका टेस्ट सिमिलर है आपको अगर लॉबस्टर रोस्ट करके आप खाते हैं ना तो इट्स लाइक सिमिलर टू दैट। अच्छा, अभी प्राइस का अगर बात करें तो हम लोगों ने जितने भी प्लेट ऑर्डर किए हैं, जितने भी डिशेज ऑर्डर किए हैं, हर डिश का प्राइस ये हाफ प्लेट ऑर्डर किया हम लोगों ने, हर हाफ प्लेट का प्राइस है 50 rupees। ओके, यहाँ पर राइस रोटी सब मिलता है, आप जो भी खाना चाहें आप यहाँ पर आके खा सकते हैं। टेस्टी बना सकते, भल लगे सर। क्यों, कैसा लगा? टेस्टी है ना? अमेजिंग। ये देखने में थोड़ा सा डिसगस्टिंग लगता है बट चटनी के साथ खाने में कुछ मजा ही अलग है। हाँ, दिखावे पे मत जाइए, आके एक बार टेस्ट जरूर कीजिए। अमेजिंग टेस्ट है। ऑफकोर्स अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन के लिए कोई ऑप्शन नहीं। कैसा लगा? क्रंची क्रंची है ना। अंदर का जो टेस्ट है थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा होता है। मीठा है ना।